Assalamualaikum guys and welcome back to CAR-A-THON channel. तो guys आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ United Bravo के बारे में. तो आप लोगों ने सुना होगा कई अरसे पहले United कंपनी अपनी कोई ये गाड़ी लॉन्च करी है, ये 2.5 लाख वाली मेहरान लॉन्च करी है. लेकिन अब ये बात कंफर्म हो गई है कि यूनाइटेड अपनी ब्रावो गाड़ी को लॉन्च कर रही है जो कि पाकिस्तान में मेहरान की कॉम्पिटिटर होगी. और गाइस इसके अंदर जो यूनाइटेड ब्रावो है हम इसके अंदर दो वेरिएंट मिलते हैं, एक मिलते हैं हम इसके अंदर इकोनॉमी वेरिएंट और दूसरा जो है वो लग्जरी वेरिएंट है. तो गाइस हम इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन को देख लें तो हमें इसका फ्रंट से कितनी खूबसूरत इस गाड़ी की शेप मिलती है. हमें इसकी फ्रंट पे फॉग लाइट्स मिलती है जो कि हमें मेहरान में फॉग लाइट्स नहीं मिलती, और जो हमें बैक साइड है इसकी वो भी बहुत खूबसूरत मिलती है. मेहरान से तो इसका हमें कई गुना ज़्यादा अच्छा एक्सटीरियर डिज़ाइन मिल जाता है. तो अब हम इसके इंटीरियर डिज़ाइन में आएँ तो हमें इसका आप देख सकते हैं इसका मीटर कितना खूबसूरत मिलता है. टैकोमीटर इसमें हमें मिल जाता है, पावर स्टेयरिंग मिल जाता है और LCD मिल रही है हमें इसके अंदर. इसमें हमें नेविगेशन सिस्टम भी मिलता है और इसकी जो डैशबोर्ड है वो कितनी खूबसूरत है, मेहरान से तो कई गुना खूबसूरत है, कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है. और इसके अंदर हमें 4 AC वेंट्स मिलते हैं, इस तरह नहीं है मेहरान की तरह नहीं है कि उसमें 2 AC वेंट्स मिले, हमें इसमें पूरे 4 AC वेंट्स मिलते हैं. इसके इंजन के बारे में बात करें तो हमें इसके अंदर EFI इंजन मिलता है जो कि 800 CC का EFI इंजन मिलता है क्योंकि मेहरान की कॉम्पिटिटर है, इस वजह से इसका शायद 800 CC इंजन रखती है. इसके अंदर हमें जो ट्रांसमिशन मिलती है वो मैनुअल मिलती है, वो 5 गियर्स के साथ, मतलब 4 हमें गियर मिलते हैं और 1 रिवर्स का गियर मिलता है. तो हमें इसके अंदर डिस्क ब्रेक्स में फ्रंट पे भी डिस्क ब्रेक मिलती है और बैक में भी डिस्क ब्रेक मिलती हैं. इस गाड़ी की प्लस पॉइंट है कि मतलब इसके हमें दोनों डिस्क ब्रेक मिलती हैं, फ्रंट और बैक पे दोनों पे. तो गाइस हम इसकी टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो हमें इसके अंदर 30 लीटर इसकी टैंक कैपेसिटी मिल जाती है. कुछ हम इसकी फ़ीचर्स के बारे में बात कर लें तो हमें इसके अंदर पावर विंडोज मिल जाती हैं, फ्रंट पे फॉग लाइट्स मिल जाती हैं, FM रेडियो मिल जाता है, हीटर मिल जाता है, वैक्यूम बूस्टर मिल जाता है और अलॉय रिम मिल जाती हैं. तो गाइस अब मैं आपको इसके दोनों वेरिएंट में डिफरेंस बताऊं. जो इकोनॉमी वेरिएंट है हमें उसके अंदर कुछ बेसिक फीचर्स नहीं मिलती, जिस तरह हमें इसमें पावर स्टेयरिंग नहीं मिलता, AC नहीं मिलता, पावर डोर लॉक्स नहीं मिलते, पावर विंडोज़ नहीं मिलती. और जो लग्जरी वेरिएंट है हमें उसमें AC भी मिलता है, पावर विंडोज़ भी मिलती हैं, पावर डोर लॉक्स भी मिलते हैं और पावर स्टेयरिंग भी मिलते हैं. तो गाइस अब मैं इसकी प्राइस के बारे में बात करूं तो वो जो प्राइस है इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है, अभी कंफर्म प्राइस नहीं है. जो इकोनॉमी वेरिएंट की प्राइस होगी वो 6 to 7 लाख होगी और जो लग्जरी वेरिएंट है उसकी जो प्राइस होगी वो 7 to 8 लाख होगी. तो गाइस मेरे ख्याल में ये गाड़ी पाकिस्तान में अपनी शोहरत और अपना नाम जल्दी बना लेगी और मेरे ख्याल में मेहरान की वैल्यू पाकिस्तान में गिर जाएगी इस गाड़ी के आने के बाद. तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मैं 100 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी रीच कर जाऊं. तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं.